हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं द वनडिस क्लब यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से आप अपने फ़ोन से ही IRCTC पर अपना न्यू अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में IRCTC की एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, जो कुछ इस तरह की दिखती है। इसका जो डाउनलोड लिंक है वो मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से ही पे आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसे प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेने के बाद आपको इसे ओपन करना है। जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो इसका जो होम पेज है, यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। एक आपको नीचे मिलेगा ऑप्शन माई अकाउंट का, और साथ ही एक ऑप्शन आपको ऊपर मिलेगा लॉगिन का। तो जब आप इसको पहली बार अपने फ़ोन में इंस्टॉल करके ओपन कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करना है, और लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपको यहाँ पर एक साइन इन का पेज मिल जाएगा। इस साइन इन के पेज पर आपको यहाँ पर एक रेड कलर में रजिस्टर यूज़र के नाम से एक ऑप्शन मिलेगा, जिस पर कि आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक फॉर्म मिल जाएगा, जहाँ पे कि आपको कुछ अपनी पर्सनल डिटेल भरनी पड़ेंगी। ये सारे के सारे आपको जो डिटेल्स हैं इनको फिल करने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट का बटन क्लिक कर देना है। तो मैं फटाफट से अपनी ये सारी डिटेल भर के फिर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही आप पर्सनल डिटेल वाले फॉर्म को फिल करके उसको नेक्स्ट करते हैं तो आपके पास फिर एक और नेक्स्ट पेज ओपन होता है, जहाँ पे आपको अपना जो रेजिडेंशियल एड्रेस है वो आपको फिल करना पड़ता है। यहाँ पे आपको स्ट्रीट, एरिया, कंट्री, पिन कोड, सिटी और स्टेट, उसके बाद आपको जो पोस्ट ऑफिस है वो, और फिर उसके बाद आपको फिर से अपना एक जो फ़ोन नंबर आपने पहले डाला था वही वाला आपको फ़ोन नंबर यहाँ पे डालना रहता है, और उसके बाद भी फिर से आपको अगेन एक बार नेक्स्ट करना पड़ेगा। तो हम फटाफट से इस वाले फॉर्म को भर के फिर से नेक्स्ट करते हैं। जैसे ही हम नेक्स्ट के ऑप्शन क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये फाइनल फॉर्म मिल जाता है, जहाँ पे आपको अपना ऑफिस का एड्रेस डालना पड़ता है, और उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देंगे। तो आइए इसको भी भर के फटाफट से रजिस्ट्रेशन करते हैं। सो फ्रेंड, जैसे ही हमने अपनी कैप्चा को सबमिट किया, हमको यहाँ पे एक मैसेज मिला है, कॉन्ग्रेचुलेशन, यूज़र आईडी हमारी यहाँ पे दे रखी है और बताया गया रजिस्टर सक्सेसफुली हो चुका है, वेरीफाई योर मोबाइल नंबर एंड ईमेल टू एंजॉय आवर सर्विसेज। तो हमारे जो रजिस्ट्रेशन है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है, हमारा अकाउंट बन चुका है, लेकिन अभी हमको जो इसकी सर्विसेज जब हम यूज़ कर पाएंगे, जबकि हम अपने जो फ़ोन नंबर है और अपनी मेल आईडी उसको वेरीफाई कर लेंगे। सो देखिए यहाँ पे दे रखा है प्लीज़ लॉगिन टू वेरीफाई योर अकाउंट। हम यहाँ पे ओके पे क्लिक करके और अपनी जो अकाउंट है इसमें लॉगिन करते हैं। तो देखिए साइन इन वाला जो पेज है वो फिर से ओपन हो चुका है। यहाँ पे हमने सिंपली अपनी जो भी एक हमारी यूज़र आईडी है हम उसको डालेंगे यहाँ पे। फिर यहाँ अपना पासवर्ड डाल देंगे और OTP के साथ इसको सबमिट कर लेंगे। सो फ्रेंड, जब आप पहली बार अपने अकाउंट को साइन इन करेंगे तो आपको यहाँ पे अपने फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी को दोनों को सेंड OTP के थ्रू वेरीफाई करना रहेगा, और उसके बाद आप इस अकाउंट को यूज़ कर पाएंगे। सो आज के इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।